और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का आज शुभारंभ होगा। सीएम योगी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से, आज शुभारंभ होने जा रहा है, सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ होगा, सीएम योगी इसकी शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह कार्यक्रम रहेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करने वाले हैं युवा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, और इस मौके पर आज ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। नशा मुक्त प्रदेश हो, सशक्त प्रदेश हो। नीतीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? कितने बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और क्या अहम मकसद है इस कार्यक्रम का? देखिए, 9 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, बाबू केडी सिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इस पूरे कार्यक्रम के मकसद की अगर बात करें तो आने वाले समय में युवाओं का देश और युवाओं का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो पूरी तरह से सशक्त बने, नशा मुक्त बने, इस संदेश के साथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बताएं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो नशाखोरी को लेकर एक बड़े अभियान के संकेत दिए थे, उस अभियान में कहीं ना कहीं ये जान फूंकने का काम करेगा कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम के शुरुआत से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब यूपी के मुखिया नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बड़ा संदेश देंगे तो युवाओं के दिल में, चूंकि मुख्यमंत्री युवाओं के दिल में बसते हैं, तो युवाओं के दिल में मुख्यमंत्री का ये संदेश कहीं ना कहीं बड़ा काम करने का एक अलग काम करेगा। आपको बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति की दर को अगर देखा जाए तो लगातार सरकारी प्रयास के बाद नशा मुक्ति की दर घट रही है, यानी जो युवा कहीं ना कहीं स्टेशनों पर और इसके साथ ही अन्य जगहों पर नशे के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे थे, नशा कराने वाले लोग यानी तस्कर जो यूपी में सक्रिय थे उन पर सख्त कार्रवाई की गई है, तो ऐसी स्थिति में आज का ये अभियान और आज का ये कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर बड़ा संदेश और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा संदेश। बिल्कुल बने रहिए नीतीश, क्योंकि और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।